बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर। सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। स्त्री यह सुनते ही खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। ये सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुँची। उसके पहुँचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वह महिला से बोला, देखो नदी गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, हाँ ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो तुमने भारी जेवर पहने हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा न हो। ये सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। कहानी की सीख, धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखानी चाहिए।